विकास का वो मुद्दा उठाए हैं और विकास करेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। हमारे बिहार में 15 साल हो गया हमारे नीतीश जी को यहाँ, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और तेजस्वी जी बहुत सारे वादा किए हैं जो पूरा हुआ होगा और ज़रूर होगा, आगे भी होगा। सुन रहे हैं कि उन्हीं का अभी बोलबाल ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार चुनाव को लेकर ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वो यही बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। इस वक्त हम दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान पर हैं। लोग जो हैं चुनावी चर्चा कर रहे हैं, आखिर किसकी सरकार बनेगी। हम सबसे पहले चाय के दुकानदार से ही पूछते हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन की बनेगी, महागठबंधन की, तेजस्वी यादव की। सीएम बनेंगे जी? 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, वो क्लिक कर गया है लोगों ने क्या? अब क्लिक किया तेजस्वी यादव ने, बताएंगे कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे? अब जो बोले उनके भरोसे, अब नया सरकार चेंज होना चाहिए ना, ये सरकार कुछ नहीं की है। अभी जो आ रहा है सरकार तो 5 साल में चेंज करे किस लिए? इसीलिए ना कि चेंजिंग हो अपना बिहार का। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार बनेगी क्यों? क्योंकि विकास का वो मुद्दा उठाए हैं और विकास करेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा, बिहार में 10 लाख नौकरी दिया जाएगा। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी। किसकी सरकार बन रही है? वही आप जो कह रहे हैं वही बनेगी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी की सरकार। किसकी सरकार बनेगी? उनका बनेगा, तेजस्वी सरकार का। सब लोग एक सुर में ही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों? क्यों बनेगी तेजस्वी की सरकार? देखिए हम लोग सर से पूछिए, सर से पूछिए। क्यों बनेगी तेजस्वी की सरकार? हमारे बिहार में 15 साल हो गया हमारे नीतीश जी को यहाँ, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और तेजस्वी जी बहुत सारे वादा किए हैं जो पूरा हुआ होगा और ज़रूर होगा, आगे भी होगा। इसीलिए महागठबंधन फिर से आ रही है। कहाँ जा रहे हैं सर? अरे हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, हमने कुछ, चलिए ये बोलना नहीं चाहते हैं, ये नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे परिवर्तन ज़रूरी है, 15 साल हो गया नीतीश जी को यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ता ही जा रही है, बाढ़ में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉकडाउन में भी लोग बहुत परेशान हुए हैं यहाँ, इसीलिए हम महागठबंधन की सरकार इस बार लोगों ने तय कर ही लिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम इस वक्त दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं। एक और दुकानदार है, किसकी सरकार बन रही है चचा? एसपी साहब का बन रहा है। एसपी साहब का बन रहा है, ये आप ही का दुकान है? जी। क्या क्या बनाते हैं? मछली चावल। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा? सुन रहे हैं कि उन्हीं का अभी बोलबाल ज़्यादा है। अच्छा, ये सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव का बोलबाल जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कि सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। देखिए ये दुकानदार हैं, एक और दुकानदार हैं जो फिलहाल लिट्टी छान रहे हैं, उनसे ही पूछें किसकी सरकार बन रही है चचा? महागठबंधन की बनेगी। महागठबंधन की बनेगी, कैसे कह रहे हैं आप? किसी एक का सरकार कैसे बनेगी सो बताइए, हम तो नहीं समझ रहे किसी एक का सरकार बनेगी। हाँ। मतलब क्या है कहने का? दोनों पार्टी में तो महागठबंधन है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि तेजस्वी यादव? सीएम बनेंगे। कौन? कौन? तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे। आप चचा कौन बनेंगे सीएम? कौन बनेंगे सीएम बिहार के मुख्यमंत्री? नहीं पता, चलिए ठीक है, इनको नहीं पता है। समझते हो राजनीति? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कैसे कैसे? बहुत अच्छा काम करेंगे इस बार। आना चाहिए नया सरकार को। नया सरकार आना चाहिए जी। नया सरकार आना चाहिए। हम एक दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। आपको बता दें कि जो ज़्यादातर ओपिनियन है देश में वो यही कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। हमने रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित चाय के दुकान दार से भी बातचीत की और जो दुकान में आए चाय पीने वाले लोगों से भी बातचीत की। जो तमाम लोग हैं वो यही कह रहे हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, यानी कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले
सीएम बनने जा रहे हैं। फिलहाल कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी सरकार। इनसे हमने पहले भी पूछा था तेजस्वी सरकार। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि रात का वक्त हो चुका है, भीड़ भाड़ जो रेलवे स्टेशन के पास है वो कम दिख रही है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की आखिर किसकी सरकार बिहार में बन रही है। जो लोग हैं रेलवे स्टेशन के बाहर वो यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। चाचा किसकी सरकार बन रही है? तेजस्वी सरकार। यहाँ चाय पीना है जी, कहीं जाना है क्या? रेलवे स्टेशन के बाहर ऑफिस में। किसकी सरकार बन रही है? वही तेजस्वी यादव का। कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है? अभी वही सब जगह चर्चा हो रहा है कि अभी उसी का रेस चल रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वही बनेगा। आप बताइए कैसे? वही उसी का हवा अभी ज़्यादा चल रहा है। तेजस्वी यादव की हवा चल रही है और लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। इधर आइए। हाँ, किसकी सरकार बन रही है? आइडिया नहीं है। चलिए आप बताइए किसकी सरकार बन रही है चाची? लालू का बनेगा, यानी कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। ये कह रही है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर जो भी लोग दिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले सीएम होंगे। चलिए हम ऑटो चालक से भी बात कर लेते हैं। दूसरे छोर हमारे ऑटो चालक हैं, वो फिलहाल अपने ऑटो पे में बैठे हुए हैं। हम ऑटो चालक से भी बात कर लेते हैं। किसकी सरकार बनेगी बिहार में, क्या लग रहा है? मोदी। एक सेकंड। हाँ, किसकी सरकार बन रही? मोदी की। मतलब मोदी कमल साहब, संजय सराबी यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार बनेंगे सीएम? बनेंगे नीतीश कुमार सीएम। हाँ बन सकते हैं। किसकी सरकार बन रही है सर? नहीं बता सकते हैं भैया, कंफर्म नहीं बता सकते हैं हम। मैंने बताइए कंफर्म नहीं बता सकते हैं। फिर क्या लग रहा है? वैसे सरकार तो खैर जो है ऑलरेडी वही रहेंगे। हाँ, मगर कुछ ही वोटों से होगा। अच्छा बताइए कि कौन सीटों से ज्यादा वो होगा, मतलब कि कांटे की टक्कर रहेगी? हाँ, टक्कर कांटे की रहेगी। ठीक है, 100%। सच सच बताइए किसकी सरकार आप बनता हुआ देखना चाहते हैं? चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बने? हमारे देश का जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हम लोग तो चाहेंगे कि वही बने यहाँ के सीएम। कौन करेगा विकास, कौन करेगा, क्या लगता है? नया युवक ही कर सकता है। और साथ ही इनका कहना है कि बिहार में जो फाइट है वो तगड़ी होने वाली है। कुछ युवक है जो आ रहे हैं। सरकार आज की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। नीतीश बनेंगे सीएम? नहीं, मोदी सरकार। के ये जो युवक है वो नारे लगा रहा है। फिलहाल हम कुछ आगे बढ़ते हैं। ये आपको दूसरी छोर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये दरभंगा रेलवे स्टेशन है, ये दरभंगा का रेलवे स्टेशन है और उसके अपोजिट साइड बहुत सारी दुकानें हैं और हम तमाम दुकानों पर पहुंचकर जो भी लोग मुझे दिख रहे हैं, हम तमाम लोगों से प्रतिक्रिया जान रहे हैं। किसकी सरकार बन रही है चाचा? भैया पता नहीं हमें, नहीं पता है। चलिए, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोग शायद बताना भी नहीं चाह रहे किसकी सरकार बन रही है। भाई ये देखिए लालटेन की टी शर्ट जो है, गोवा भाई। अब एक हम होटल में चलते हैं, होटल से, होटल में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आप क्या, होटल आप ही का है? हाँ, होटल हम रहे। क्या माहौल है, क्या लग रहा है, क्या उन बनेगा? नहीं पूछिए, उनसे पूछ लेंगे, आप ही बताइए। वोट तो दिए हैं आप, देखिए कुंजित रहा। किसको दिए हैं? अब हम कैसे बोले? कौन बनेगा सीएम, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बनेंगे। कितने सालों से है ये दरभंगा स्टेशन के बाहर आपकी दुकान? वही 50 साल से। 50 साल से एक पुरानी दुकान है, हालांकि अभी भीड़ नहीं दिख रही है दुकान में। पूरा अभी लॉकडाउन का पूरा सन्नाटा चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन का सन्नाटा अभी गया नहीं है दरभंगा शहर से। राहगीर हैं, खाना खाने आए हैं? नहीं, लेबर हूँ। लेबर हैं, कहाँ जा रहे हैं बैग लेके? कहीं नहीं।
ये बैग आप ही का है? ना मेरा नहीं है। अच्छा, किसका सरकार बनेगा बिहार में? मेरे क्या मालूम, मेरे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम, चलिए। एक अंकल है, क्या नाम हुआ अंकल आपका? मोहम्मद अवैस। यही दुकान में काम करते हैं? हाँ। क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? अभी कोई पता नहीं मालूम। अच्छा, आप किसका सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? वो अंदाज हम कैसे क्या कहें सर, जो बनेगा सब ठीक है। सब ठीक है, चाहते हैं एसपी बने चाहे नीतीश कुमार, कोई भी बने सब ठीक है। सबके लिए सब राजी। हमने आपको दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर से लोगों की प्रतिक्रिया जाने। जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल का दावा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर जो हमें मिले, उनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में मोदी सरकार यानी कि नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।